राकेश रसोई। आज मैंने रवा और गेहूं का आटे से पाव बनाया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी मैदा यूज नहीं किया है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो आपको हर स्टेप मैंने डिटेलली समझाया है। तो अगर आप इस तरह बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखोगे तो आपके पाव मेरे जैसे ही बनेंगे। तो चलो देख लेते हैं होल व्हीट सेमोलिना पाव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैक्सीड जेल बनाएंगे। तो फ्लैक्सीड जेल बनाने के लिए एक बर्तन में एक कप पानी ले और उसे बॉईल करने रख दे मीडियम फ्लेम पर। इसी में हम ऐड करेंगे एक टेबलस्पून फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड यानी अलसी। ये हम इसीलिए बना रहे क्योंकि हम व्हीट फ्लोर एंड सेमोलिना यानी गेहूं का आटा और रवे से पाव बनाएंगे। ये दोनों में ग्लूटेन काफ़ी कम प्रोपोर्शन में रहती है तो हम फ्लैक्सीड जेल बनाएंगे और इसी से हम ग्लूटेन क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबलस्पून फ्लैक्सीड्स यानी अलसी के बीज ऐड किए हैं। ये अनसॉल्टेड है, ये आपको इजीली सुपरमार्केट या कोई भी ग्रोसरी स्टॉप में मिल जाएगी और ये अनसॉल्टेड है। आपको रोस्टेड वाले फ्लैक्सीड बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब इसे हम 5 से 6 मिनट बॉयल करने रख देंगे। तो देखिए ये आप कंटिन्यूसली इसे बॉयल करें 5 से 6 मिनट बाद आप देखिए एक जेल फॉर्म हो रहा है, यानी यू विल सी ए थ्रेड लाइक कंसिस्टेंसी। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे जैसे आप शुगर सिरप की तार चेक करते हो, तार यानी वो कितनी स्टिकी हुई है और कितने तार हुए, इसी तरह हम इसका भी चेक करेंगे। हमें इसमें तार नहीं चाहिए, जस्ट एक स्टिकीनेस आपको फील होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से स्टिकीनेस फील हो रहा है। एंड इफ़ यू टेक विद अ स्पून, अगर आप स्पून से ले तो ये देखिए एक लॉन्ग स्ट्रिंग आपको दिख रहा है, यानी ये काफ़ी स्टिकी हो गया है। एंड अब आपको क्या करना है, गैस बंद करना है और इसे तुरंत ही छानना है। ये छानने पर और भी थिक जेल फॉर्म हो जाएगा। और जब भी आप फ्लैक्सीड जेल बनाते हो आपको तुरंत ही इसे छानना है। अगर आप इसे 15 से 20 मिनट भी रेस्ट करके फिर छानोगे ये छाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए तुरंत ही इसे छन्नी में छान दें। और बाकी जो बचा हुआ फ्लैक्सीड्स है उसे आप फिर से पानी ऐड करें और इसी तरह आप 3 से 4 बार फ्लैक्सीड जेल बना सकते हो। इसे आप कई बेकिंग रेसिपीज में यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ एज ए फेस मास्क, आप इसे हेयर कंडीशनर में यूज़ कर सकते हो। उसके कई सारे यूजर्स है, आप गूगल करें एंड देन यू विल गेट टू नो ये फ्लैक्सीड जेल के यूजेस क्या है। यानी एक टेबलस्पून फ्लैक्सीड में आप कम से कम 250 ml फ्लैक्सीड जेल बना सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड प्रोसेस। तो ये है ईस्ट एक्टिवेशन। तो ईस्ट एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले एक बाउल ले और उसमें मैंने ऐड किया है 1/2 कप कुनकुना पानी यानी वार्म वाटर। आपको यहाँ पर खास ध्यान देना है कि पानी ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा, वरना ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगा। इसी में ऐड करेंगे इंस्टेंट ईस्ट। आप चाहे तो ड्राई ईस्ट भी ऐड कर सकते हो, और अगर आप फ्रेश ईस्ट यूज़ कर रहे हो तो उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने पानी में ऐड किया है और ईस्ट को अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए 1 टेबलस्पून हनी ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो शुगर भी ऐड कर सकते हो। अब इस तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसे ढक कर 15 मिनट के लिए साइड में एक्टिवेट होने के लिए रख दें। 15 मिनट बाद ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गई है, यानी आप ऊपर से देखें ये आपको बबल फॉर्म टॉप लेयर दिख रहा है। अगर ये इस तरह नहीं हुआ हो तो आप 5 से 10 मिनट और एक्टिवेट करने दें, और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ हो तो आप ये ईस्ट एक्टिवेशन का प्रोसेस फिर से करें। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप। तो एक बाउल में यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम्स सेमोलिना यानी रवा। तो ये रवा एकदम बारीक वाला रवा है। अगर आपके पास मोटा वाला रवा है तो उसे मिक्सी जार में ग्राइंड कर ले और वो यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने एकदम फाइन वाला सेमोलिना यानी रवा लिया है। इसी में हम ऐड करेंगे 1/4 कप यानी 75 ग्राम्स होल व्हीट फ्लोर यानी नॉर्मल गेहूं का आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं। इसे भी बाउल में ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ देखें ये मैंने 1/4 कप दबा दबा कर लिया है। फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप बेकरी के कोई भी आइटम बनाते हो तो उसे वेइंग स्केल में वेह करके यानी उसे तोल के ही यूज़ करें, क्योंकि हर किसी का कप का मेजरमेंट अलग ही रहेगा। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और हमने जो फ्लैक्सीड जेल बनाया था वो ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लैक्सीड जेल और भी ज़्यादा थिक हो चुका है। अब हम इसमें
2 टेबलस्पून फ्लैक्सीड जेल ऐड करेंगे और इसी में हमने जो ईस्ट मिक्सचर बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। इसी में 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से पाव या ब्रेड जो भी आप बनाते हो उसे बेक करने के बाद ईस्ट का स्मेल सप्रेस हो जाता है, यानी ईस्ट का टेस्ट और स्मेल कम हो जाएगा। अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटा एक और बार अच्छे से गूंद लेंगे। आप चाहे तो पानी के बदले मिल्क भी ले सकते हो। हमें आटा एकदम सॉफ्ट गूंदना है। अगर आटा कड़क रहेगा तो पाव एकदम कड़क बनेगी। तो ये देखिए आटा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस आटे को अच्छे से मसलेंगे। तो मसलने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेटफॉर्म को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और सारा डो प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड कर दे और अब हम इसे मसलते रहेंगे। इस प्रोसेस में मसलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी आप जितना मसलोगे पाव उतना ही सॉफ्ट बनेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखें, जिस डायरेक्शन में मैं मसल रही हूँ आपको भी उसी डायरेक्शन में उसी तरह मसलना है, यानी आपको अपनी तरफ से आगे की तरफ पुश करना है और स्क्रैपर से उसे स्क्रैप करते हुए अगेन फिर से उसे पुश करना है। इस तरह करने से ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट होगा और डो में ग्लूटेन क्रिएट होगा। आप वीडियो के क्लोजअप देखें तो ये देखें इस तरह से पोरस ग्लूटेन क्रिएट हो रहा है। इस तरह आपको कंटिन्यूअसली मसलना है 15 से 20 मिनट। तो बीच बीच में आप इस तरह ऑयल भी लगाकर मसलते रहें। तो इन टोटल इस पूरे प्रोसेस में मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है। तो ऑयल आपको अनरिफाइंड ही फ्लेवरलेस ऑयल ही यूज़ करना है। चलिए अब हम टेस्ट करेंगे आपको कब तक मसलना है। इस तरह से आप खींचे और देखिए थिन मेम्ब्रेन होना चाहिए और बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए। तो आप देखिए ये आटा हमारा बीच में से फट रहा है, यानी आपको इसमें और भी मसलने की ज़रूरत है। आप इसे मसले मसले और मसले, आप जितना मेहनत करोगे पाव उतना ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपके पास डो मेकिंग मशीन है तो आप उसमें सिर्फ 10 से 12 मिनट में बना सकते हो। तो ये देखिए लगातार 15 से 20 मिनट मसलने के बाद ये हमारा डो तैयार है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि हमारा डो अच्छे से नीड हुआ है कि नहीं। तो आपको मैं क्लोजअप व्यू दिखाऊं। तो आप देखिए एक फिंगर प्रेस करके देखिए, जब आप इसे प्रेस करते हो तो ये अपने आप ही ऊपर उठता है। ये है फर्स्ट टेस्ट। और सेकंड टेस्ट है थिन मेम्ब्रेन टेस्ट। अब कॉर्नर से दोनों फिंगर से हम आटे को इस तरह खींचेंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी ये फट नहीं रहा है, यानी ये हमारा डो तैयार है। अब हम इसे फर्मेंट करने रख देंगे। तो फर्मेंट करने के लिए एक बाउल में पहले उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दे। इसी में गूंदा हुआ आटा प्लेस कर दे। उसे ऊपर से भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस करें और इसे क्लिंग रैप से रैप करें। हम क्लिंग रैप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और वो हमें दिखेगा कि ये डबल हुआ है कि नहीं। आप चाहे तो कोई भी लिड या एक क्लॉथ भी रख सकते हो। अब हम इसे कोई डार्क प्लेस में फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए फर्मेंट के पहले इस तरह छोटा डो है और इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी है। फर्मेंट बहुत ही जल्द हो जाएगा, यानी मेरे यहाँ ये डो सिर्फ 60 मिनट्स में अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। फर्मेंट यानी जितना आपका डो था उससे डबल हो चुका है। एंड आप ट्रांसपेरेंसी देखिए, इस तरह बड़े पोर्स आ चुके हैं। तो आप जब भी डो को फर्मेंट करते हो, क्लाइमेट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप ठंडी में करते हो तो इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो इससे कम समय भी लग सकता है। अब हम इसे इस तरह पंच करेंगे। पंच करने से पाव में ईस्ट का स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इसीलिए आप इसे 2 से 3 बार अच्छे से पंच करें। तो ये देखिए ये पंच करके हमारा डो तैयार है। अब इसे फिर से प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करेंगे। उसके पहले प्लेटफॉर्म पर सूखे आटे से उसे डस्ट कर दे। अब हम 9 समान लोए बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ हर एक लोए को 49 to 50 ग्राम्स रखा है। अब एक एक लोया ले, पहले हथेली को सूखे आटे से डस्ट कर ले और एक लोया हथेली पर प्रेस करे और इसे पहले फ्लैट करे और हर कॉर्नर से उसे अंदर की ओर टक करते हुए पलटा दे। जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप भी उसी तरह करें और टॉप सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब हम इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे। तो यहाँ बेकिंग ट्रे मैंने पहले से ही बटर से ग्रीस किया है।
इस तरह आप बाकी बचे लोए को भी टक करते हुए स्मूथ सरफेस करें और बेकिंग ट्रे में प्लेस कर दें। उसे फिर से सेकेंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे। तो सेकेंड प्रूफिंग के लिए यहाँ पर हम फिर से क्लिंग रैप लगाएंगे। तो क्लिंग रैप लगाने के पहले क्लिंग रैप के ऊपर तेल से ग्रीस करेंगे ताकि वो हमारे पाव के ऊपर स्टिक ना हो जाए। अब इसे टिन पर अच्छे से लगा दे और इसे सेकेंड प्रूफिंग के लिए रख दे। तो सेकेंड प्रूफिंग के लिए यहाँ पर मैंने 30 टू 35 मिनट्स लिया है, यानी आपको प्रूफ उतना ही करना है जितने अपने बॉल्स दिख रहे हैं, उसे डबल होना चाहिए। तो देखिए इन 30 टू 35 मिनट्स ये हमारे बॉल्स अच्छे से प्रूफिंग हो चुका है। अब क्लिंग रैप निकाल दे और इसी के ऊपर ब्रश से मिल्क वॉश कर दे। मिल्क में आपको 1 टीस्पून शुगर ऐड करके मिल्क वॉश करना है, यानी एक ब्रश मारना है। इससे जब आप बेक करोगे ऊपर का क्रस्ट गोल्डन ब्राउन आएगा। अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने OTG को पहले से ही 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके रखा था। अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्रीज पर 20 मिनट्स के लिए यूजिंग बोथ द कॉइल्स। तो आप देखिए 20 मिनट्स बाद हमारे पाव बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। दिखने में ये कड़क है, लेकिन आप इसे अब वायर रैक पर ट्रांसफर कर दे और इसे तुरंत ही बटर या घी से ग्रीस करें। यानी आपको टॉप लेयर ब्रश से बटर या घी अप्लाई करना है। इससे हमारे पाव बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसे अनमोल्ड नहीं करेंगे। इसके ऊपर आप कपड़ा ढक दे और आधे से एक घंटे के लिए रेस्ट होने रख दे। तो देखिए आधे से एक घंटे बाद हमारे पाव तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब इसे पलटा कर निकाल दे, ये आसानी से निकल जाएगी। तो ये रहे हमारे गेहूँ के आटे और रवा से बने हुए पाव। फ्रेंड्स, इस तरह के हेल्दी पाव आप भी बनाइए तो आप बाजार के पाव लाना ही भूल जाओगे। एक बार आप जरूर ट्राई करें तो आप घर में ही हर बार पाव बनाना पसंद करोगे। अगर आपको गैस पर बनाना हो तो आप गैस पर भी जिस तरह हम केक बेस बेक करते हैं उस तरह आप ये पाव को बेक करें तो ये हमारे पाव गैस पर भी बन जाएंगे। आप पाव की टेक्सचर देखें, दिखने में ये थोड़ा लाइट ब्राउन है क्योंकि ये हमने गेहूँ के आटे से बनाए हैं। अगर ये मैदे के पाव रहते तो ये काफ़ी सफ़ेद रहते। इसमें मैंने बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं किया है। आप मैंने जितना आपको वीडियो में दिखाया है, जितने सारे आपको टिप्स शेयर किया है और जितना मैंने मेजरमेंट शेयर किया है, आप उसी तरह आप पाव ट्राई करें और आपके पाव भी इसी तरह ही बनेंगे। आप एक बार ये पाव बना ले और इससे आप दाबेली, पाव भाजी, वड़ा पाव, मसाला पाव, कई रेसिपीज बना सकते हो। वैसे मैंने पाव भाजी की रेसिपी भी ऑलरेडी शेयर की है और आगे मैं दाबेली, वड़ा पाव सारे रेसिपीज भी शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल पर बने रहें। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।